ये फेज स्टार्ट होगा। तो चलें हम इस फेज को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रिक बाइक मोटर वर्निंग पार्ट 3 में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अगर आप घर बैठे अपनी इलेक्ट्रिक बाइक की मोटर रिवाइंड करना चाहते हैं तो मोटर वर्निंग का पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको ईजीली समझ आ जाएगी और आप घर बैठ कर अपनी इलेक्ट्रिक बाइक की मोटर खुद रिवाइंड कर सकते हैं। वो पार्ट देख कर आप अपनी शॉप भी ओपन कर सकते हैं, आप अपने लिए रोज़गार बना सकते हैं या आप अपने पैसों की अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं। तो चलें आज का पार्ट 3 हम शुरू करते हैं। पार्ट 3 में आज हमने करना है तीसरा और आखिरी फेज रिवाइंड। पार्ट 1 में मैं आपको बता चुका हूं कि आपने पहला फेज कहां से शुरू करना है, कितनी टर्न्स देनी है और किस एंगल के साथ कितनी टर्न्स क्लॉकवाइज, कितनी टर्न्स आपने एंटी क्लॉक देनी है और ये जो शिफ्टिंग है यहाँ से हमारी एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज ये वाली, ये आपने किस किस तरह देनी है। तो पार्ट 2 में मैं आपको सेकंड फेज के बारे में मुकम्मल तफसील बता चुका हूँ और पार्ट 3 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 3 आपने स्टार्ट करना है एंटी क्लॉक। जैसा कि आपको पता है कि हम 12 तारों से आज ये मोटर रिवाइंड कर रहे हैं। आप गिन लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 12 तारों से हम ये मोटर रिवाइंड कर रहे हैं। 30 mm का ये स्टेटर है। तो जनाब तीसरा फेज आपने स्टार्ट करना है एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक का मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको बता चुका हूँ। एंटी क्लॉक का मतलब है उल्टी घड़ी और क्लॉकवाइज का मतलब है जिधर को घड़ी चलती है उस साइड पे क्लॉकवाइज है, जिधर को घड़ी को हम उल्टा घुमाएंगे वो हमारा एंटी क्लॉक हो जाएगा। तो पार्ट 3 में हम जो तीसरा फेज स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है हमारा एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक हमारा ये फेज स्टार्ट होगा। तो चलें हम इस फेज को स्टार्ट कर रहे हैं। टर्न्स आपने खुद गिननी है, कॉपी पेंसिल अपने पास रख लें ताकि आप मुकम्मल ये पैटर्न ये फार्मूला नोट कर सकें, बाद में आपको कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अभी हम करते हैं इसकी वाइंडिंग स्टार्ट। ये हमारा पहला कॉइल हो चुका है कंप्लीट। फेज 3 के पहले सेट का पहला कॉइल हमारा इस टाइम कंप्लीट हो चुका है एंटी क्लॉक। आगे हमने जाना है क्लॉकवाइज। तो आगे हम इसको यहाँ पर टर्न्स देंगे क्लॉकवाइज, जिधर को घड़ी चलती है या जिधर को घड़ी घूमती है। ये हमारे जनाब दूसरा कॉइल भी कंप्लीट हो चुका है। वीडियो में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लगा दूंगा, जहाँ से आपको वाइंडिंग की समझ ना आए आप मुझसे व्हाट्सएप रब्ता कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा, यानी कॉल लेना करते रहिएगा। व्हाट्सएप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई करने की मुकम्मल कोशिश करूँगा। अभी हम पहले सेट का तीसरा कॉइल डाल रहे हैं एंटी क्लॉक। ये भी हमारा हो चुका है कंप्लीट। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हैमर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर हैमर के साथ भी रिवाइंड करेंगे तो आपकी मोटर रिवाइंड हो जाएगी और चलेगी भी। मैं जस्ट हैमर इस वजह से यूज़ करता हूँ कि ये जो इसकी शेप है ये सारी इक्वल हो सके, मतलब कि जो कॉइल का पेट निकल आता है, कॉइल फूल जाता है, वो चीज़ ख़त्म हो जाए और वाइंडिंग प्यारी भी लगती है।
अभी हम पहले सेट का आखिरी कॉइल कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह क्लॉक वाइज में। नहीं जी, ये हमारा पहला सेट का, तीसरे फेज का पहला सेट इस टाइम कंप्लीट हो चुका है। या देखिए यहाँ पर ये सारी हमारी वाइंडिंग क्लियर हो चुकी है। यहाँ पर ये स्लॉट्स रहते हैं, यहाँ पर वाइंडिंग आएगी, लेकिन ये वाले जो अभी हमने तीसरा फेज इसमें कंप्लीट किया है वो हमारा क्लियर हो चुका है। आगे हमने जाना है 8 to 9, मतलब कि क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्लॉकवाइज जिधर को सीधी घड़ी घूमती है उसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं, जिधर को उल्टी घड़ी अगर हम घुमाएं तो वो हमारा एंटी क्लॉक होगा। तो इसमें अभी हमने जाना है क्लॉकवाइज 8 to 9। एक सेकंड, सिर्फ इसकी सेफ्टी के लिए यहां पर मैं प्लास्टिक लगा रहा हूं ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना हो। इसमें भी हमारी टर्न्स कंप्लीट हो चुकी हैं क्लॉकवाइज। आगे हमने टर्न्स लेनी है अगेन एंटी क्लॉक। सेकेंड सेट का सेकेंड कॉइल भी सेम हमारा हो चुका है कंप्लीट। अभी आगे हम टर्न्स देंगे थर्ड कॉइल के लिए जो कि होंगी हमारी क्लॉकवाइज। हमारा ये कॉइल भी हो चुका है कंप्लीट। इसमें अब आ गया हमारा ये आखिरी कॉइल जिसकी हम टर्न्स देंगे एंटी क्लॉक। नहीं जी, इधर हमारी ये टर्न्स हो चुकी हैं कंप्लीट। मतलब के यहाँ पर तीसरे फेज के दो सेट हमारे हो चुके हैं इस टाइम कंप्लीट, एक ये और एक ये। अभी हम देंगे इसमें जाएंगे कंप्लीट करेंगे अपना तीसरा सेट। तीसरा सेट हमने स्टार्ट करना है एंटी क्लॉक। पहले हमने क्लॉकवाइज किया था, अभी तीसरा सेट हम करेंगे एंटी क्लॉक स्टार्ट। यहाँ पर हमारा ये तीसरे सेट का पहला कॉइल हो चुका है कंप्लीट। आगे हम दोबारा यहाँ पर टर्न्स देंगे क्लॉकवाइज।
तीसरे सेट का दूसरा कॉइल भी हो चुका है कंप्लीट। तीसरे कॉइल में हम टर्न्स देंगे एंटी क्लॉक। टर्न्स मैं भी भूल गया आपके चक्कर में, लेकिन तसल्ली आपने कर लेनी है, रिस्क नहीं लेना। हमारा तीसरा कॉइल भी हो चुका है कंप्लीट। आगे हमने जाना है क्लॉकवाइज, तीसरे सेट का आखिरी कॉइल क्लॉकवाइज। अभी हमारी एक टर्न रहती है, उसको थोड़ी सी जगह बना दी ताकि हमारी आखिरी टर्न इजीली आ जाए। और जी ये लें जी, हमारा यहाँ पे तीसरा कॉइल भी कंप्लीट हो चुका है, मगर यहाँ पर ये मुझे खोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको मुझे नीचे करना पड़ेगा। ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। हमारे यहाँ पर तीन सेट कंप्लीट हो चुके हैं, अभी हमारा आखिरी सेट है जिसको हम टर्न्स देंगे क्लॉकवाइज, मतलब के 8 to 9। जब चेक करें 8 to 9, ये हमारा ये कॉइल भी हो गया कंप्लीट। अभी सेकंड कॉइल में हम जाएंगे एंटी क्लॉक। जी हमारा ये वाला कॉइल भी हो गया कंप्लीट। आगे हम जाएंगे अगेन क्लॉकवाइज।
हैं जी, ये हमारा सेकंड लास्ट भी हो गया कंप्लीट। अभी आ गया हमारा आखिरी कॉइल, इसमें हमने टर्न्स देनी है एंटी क्लॉक आखिरी कॉइल में। ये आप देखें, यहाँ पर सिर्फ आखिरी कॉइल रहेगा, बाकी सारी हमारी कॉइल बंद हो चुकी है। यहाँ पर इसमें हम टर्न देंगे एंटी क्लॉक। अब यहाँ पर भी हमारा ये कंप्लीट हो चुका है फेस, मतलब के यहाँ पर हमारी सारी मोटर डिवाइंड हो चुकी है। इधर ये देखिए, मैं आपके सामने इसको कट भी कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना रह जाए। इसको इधर हमने कट कर दिया और जी आप देखें, यहाँ पर हमारी ये सारी मोटर रिवाइंड हो चुकी है। अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों का लिंक लगा दूंगा, या जितनी भी मेरे चैनल पर वाइंडिंग की वीडियोस पड़ी हुई हैं 36 स्लॉट में, 48 स्लॉट में, या 52 स्लॉट में, या 62 स्लॉट में, वो सारी वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अगर आप सच में वाइंडिंग सीखना चाहते हैं तो जनाब वो तीनों वीडियोज़ या जितनी भी वीडियोज़ का लिंक लगा होगा वो लाजमी देखिएगा। आप इंशाल्लाह घर बैठकर अपनी इलेक्ट्रिक बाइक की मोटर रिवाइंड करना शुरू हो जाएंगे। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। पार्ट फोर में इसके मैं ये कनेक्शंस और सेंसर लगाने आपको बताऊंगा कि आपने इस मोटर में सेंसर किस तरह लगाने हैं, कौन सा नंबर लगाना है, कौन सा पीसीबी इस्तेमाल करना है, मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैरियत का बाइस बनिएगा। हमें दीजिए नेक्स्ट एपिसोड तक इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।